किस तरह की इन्वेस्टिगेशन चल रही है? पुलिस जो भी है, पुलिस कस्टडी अभी रिमांड ली हुई है, पुलिस ने 4 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड ली हुई है और जो जो एंगल से करना है वही सभी एंगल से पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और करेगी। कॉज ऑफ डेथ क्या है अगर कुछ आप बताएं? कॉज ऑफ डेथ जो है उसका ड्यू टू हैंगिंग आया हुआ है, मतलब फांसी लगने से। उनकी माता जी का क्या कहना था इस? माता जी का वही कहना है कि ब्रेकअप उसका हुआ था, उसकी वजह से वो उसने फांसी लगवा के ली। कई हद तक प्रेगनेंसी की खबर आ रही है? आप नहीं, मेडिकल जो उसका कल पोस्टमार्टम हुआ उसमें भी कुछ ब्रेकअप का कुछ वजह बताया, लव जिहाद को लेके कुछ इस तरह का एंगल? और कॉज ऑफ डेथ, क्योंकि वहाँ पे कुछ रस्सी नहीं थी कुछ, अगर आप उसके हाथ में जो बैंडेज था उसने उसमें लगा, इसके अलावा और कोई बॉडी पे निशान? नहीं, बॉडी पे निशान कुछ नहीं। अब तक आरोपी ने कुछ बताया किस तरह से बयान दे रहे? कुछ बयान पे चेंजेस ऐसा कुछ नहीं? चालू है इन्वेस्टिगेशन, चालू है। थैंक यू सर। किस तरह की इन्वेस्टिगेशन चल रही है? पुलिस जो भी है, पुलिस कस्टडी अभी रिमांड ली हुई है, पुलिस ने 4 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड ली हुई है और जो जो एंगल से करना है वही सभी एंगल से पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और करेगी। कॉज ऑफ डेथ क्या है अगर कुछ आप बताएं? कॉज ऑफ डेथ जो है उसका ड्यू टू हैंगिंग आया हुआ है, मतलब फांसी लगने से। उनकी माता जी का क्या कहना था इस? माता जी का वही कहना है कि ब्रेकअप उसका हुआ था, उसकी वजह से वो उसने फांसी लगवा के ली। कई हद तक प्रेगनेंसी की खबर आ रही है? नहीं, अगर आप नहीं, मेडिकल जो उसका कल पोस्टमार्टम हुआ उसमें भी कुछ ब्रेकअप का कुछ वजह बताया, लव जिहाद को लेके कुछ इस तरह का एंगल? और कॉज ऑफ डेथ, क्योंकि वहाँ पे कुछ रस्सी नहीं थी कुछ, अगर आप उसके हाथ में जो बैंडेज था उसने उसमें लगा, इसके अलावा और कोई बॉडी पे निशान? नहीं, बॉडी पे निशान कुछ नहीं। अब तक आरोपी ने कुछ बताया किस तरह से बयान दे रहे? कुछ बयान पे चेंजेस ऐसा कुछ नहीं? चालू है इन्वेस्टिगेशन, चालू है। थैंक यू सर। किस तरह की इन्वेस्टिगेशन चल रही है? पुलिस जो भी है, पुलिस कस्टडी अभी रिमांड ली हुई है, पुलिस ने 4 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड ली हुई है और जो जो एंगल से करना है वही सभी एंगल से पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और करेगी। कॉज ऑफ डेथ क्या है अगर कुछ आप बताएं? कॉज ऑफ डेथ जो है उसका ड्यू टू हैंगिंग आया हुआ है, मतलब फांसी लगने से। उनकी माता जी का क्या कहना था इस? माता जी का वही कहना है कि ब्रेकअप उसका हुआ था, उसकी वजह से वो उसने फांसी लगवा के ली। कई हद तक प्रेगनेंसी की खबर आ रही है? अगर आप नहीं, मेडिकल जो उसका कल पोस्टमार्टम हुआ उसमें भी कुछ ब्रेकअप का कुछ वजह बताया, लव जिहाद को लेके कुछ इस तरह का एंगल? और कॉज ऑफ डेथ, क्योंकि वहाँ पे कुछ रस्सी नहीं थी कुछ, अगर आप उसके हाथ में जो बैंडेज था उसने उसमें लगा, इसके अलावा और कोई बॉडी पे निशान? नहीं, बॉडी पे निशान कुछ नहीं। अब तक आरोपी ने कुछ बताया किस तरह से बयान दे रहे? कुछ बयान पे चेंजेस ऐसा कुछ नहीं? चालू है इन्वेस्टिगेशन, चालू है। थैंक यू सर। किस तरह की इन्वेस्टिगेशन चल रही है? पुलिस जो भी है, पुलिस कस्टडी अभी रिमांड ली हुई है, पुलिस ने 4 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड ली हुई है और जो जो एंगल से करना है वही सभी एंगल से पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और करेगी। कॉज ऑफ डेथ क्या है अगर कुछ आप बताएं? कॉज ऑफ डेथ जो है उसका ड्यू टू हैंगिंग आया हुआ है, मतलब फांसी लगने से। उनकी माता जी का क्या कहना था इस? माता जी का वही कहना है कि ब्रेकअप उसका हुआ था, उसकी वजह से वो उसने फांसी लगवा के ली। कई हद तक प्रेगनेंसी की खबर आ रही है? नहीं, अगर आप नहीं, मेडिकल जो उसका कल पोस्टमार्टम हुआ उसमें भी कुछ ब्रेकअप का कुछ वजह बताया, लव जिहाद को लेके कुछ इस तरह का एंगल? और कॉज ऑफ डेथ, क्योंकि वहाँ पे कुछ रस्सी नहीं थी कुछ, अगर आप उसके हाथ में जो बैंडेज था उसने उसमें लगा, इसके अलावा और कोई बॉडी पे निशान? नहीं, बॉडी पे निशान कुछ नहीं। अब तक आरोपी ने कुछ बताया किस तरह से बयान दे रहे? कुछ बयान पे चेंजेस ऐसा कुछ नहीं? चालू है इन्वेस्टिगेशन, चालू है। थैंक यू सर।